गया था हम बैठ गए हैं बस में और स्वागत है आप सबका मेरे लिए ब्लॉग में। वाह वाह भाई, बड़ा आपको लग रहा है। देखिए आज कैसी लग रही है बबीता जी, कमेंट में बताइए। बबीता जी नहीं, इनका नंबर एंजल जी, और इनका देखिए लुक, साड़ी आज पहने, साड़ी एकदम बवाल लग रही है, बवाल। और बस में तो काफी। हेलो पिन्ना में करना, पिन्ना आप लोग देख सकते हैं, पिन्ना में करना, पिन्ना बैठे हैं हम लोग, आराम से बैठे हैं। क्या बबीता जी, और बबीता जी का लुक देख के बताइए आज येलो कलर में कैसी लग रही है, और इनको कलर कैसा लग रहा है। आप कहाँ से? गोरखपुर से है ये? गोरखपुर में कहाँ से? वीडियो बनाती है गोला साइड से। और ये तो आप सभी को पता होगा, और कुछ कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ये गोरखपुर में ही है। तो हम कहिए कि ये हमारे गाँव हमारे शहर के है, और मुझे बहुत खुशी है उनसे मिल के। चलिए अभी शादी में दिखाते हैं क्या क्या होता है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो वैसे देखिए छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने क्यूट से बेबी, और ये हम लोग को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। देखिए ये देखिए बबीता जी को देख रहे हैं बहुत ध्यान से। कमेंट बताइए कैसे, हाय बोलो, हाय हाय हाय, हंस दो हंस दो, हाय। ये देखिए अच्छे अच्छे। तो वैसे देखिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ मैरिज हॉल में, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खूबसूरत सजावट किया गया, आप लोग देख सकते हैं। और रास्ता हम लोग तो भूल गए थे, आते आते किसी तरह हम लोग पहुँचे हैं यहाँ तक, और आप लोग देख सकते हैं एंजल जी कैसी लग रही हैं। ये देखिए बैक से देखिए, और सजावट भी बहुत खूबसूरत हुआ है। और मम्मी बोलो, मम्मी हाय बोलो, हाय। ये रही हमारी मम्मी, एंजल जी की मम्मी, बबीता जी की मम्मी, हमारी प्यारी मम्मी। चलो ये सब हमारे प्यारी सी बिटिया हैं, इन लोग का हेल्प करना, इन लोगों को आगे ले जाओ, आप लोग से निवेदन है। बताइए। हाँ मेरी मम्मी ने दूसरे वाले हॉल में पहुंच गई थी। हाँ मैं घुस गई थी इधर, मैं घुस गई थी, शादी हो रहा है, बने रहिए वीडियो में देखने के लिए। तो फाइनली दोस्तों ये देखिए हम दुल्हन के पास पहुंच चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सजाया गया है इनको, और हंसती हुई बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए मैं उनको बुला रही हूँ, सुन नहीं रहे हैं, अब जाके सुनी, और देखिए हाय अब हमें बोलेंगी हाय। तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारी लग रही है, और आसपास में देखिए सारी लड़कियाँ तैयार हो गई हैं, और देख देख के मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मैं देखिए सबको मैं क्या बताऊं। तो गाइस ये देखिए बगल में है मम्मी जी आईना में दिख रही हैं, और उधर है खड़ी बबीता जी, और साइड में है ब्लॉगिंग कर रही हैं ये एंजल जी। ये देखिए बबीता दी अपने पापा जी के साथ फ़ोटो निकलवा रही हैं, और ये देखिए अभी किसी करेंगी, देख के मज़ा आ गया। तो गाइस ये देखिए इनसे मैं बात करना चाहती हूँ, तो देखिए मैं अभी बात करूँगी इनसे। ये देखिए ये मुझे बोल रही हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैंने बोला कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, और बहुत अच्छा सजाई हैं। तो ये देखिए इधर कविता जी हैं पीछे, और उधर सारे लड़के भैया हैं, और मैं अभी बाहर जा रही हूँ। ये देखिए हॉल में देखिए कितने लोग आए हैं, हॉल काफ़ी बड़ा है, और उधर देखिए मंडप लगा है जहाँ पर जयमाला होने वाला है। यहाँ देखिए जयमाला होने के बाद, और यहाँ पर सारे लोग फ़ोटो निकलवा रहे हैं, तो यहाँ फ़ोटो एंजल जी गए हैं लेने, और यहाँ खाना खाना, जिनको खाना खाना है आ सकते हैं। यहाँ देखिए शादी में हम लोग आए थे, और यहाँ सभी लोग खाना खा रहे हैं, और इधर खाना बट रहा है, आप लोग देख सकते हैं खाने के लिए सब लोग लाले हो गए खाने के लिए, सब लोग लाइन लगे हैं, जिसको जिसको भूख लगा है अभी आप सबसे पहले लाइन लगाए हैं। आप लोग देख सकते हैं खाली खाली थाली लेके हम लोग घूम रहे हैं, निकालना है अपने हाथ से, देखिए खाली है, कुछ है नहीं निकालने, तो कैसे निकालें, उधर चला खाली खाली और मिली, और ये देखो सब लोग खाली खाली लेके घूम रही है, अरे घूम जाएगी इतनी भूखी है। ये देखो सलाद लेके जा रही है खाने यहाँ जल्दी जल्दी में, देखिए इधर खाना मिल रहा है, लाइन में हम भी लगे हैं, और ये देखिए आम का रश, और ये रहे भैया, और देखिए सब्जी किस, वो कौन सी सब्जी है वो मत दीजिएगा हमको, हमको मत दीजिएगा, हम नहीं खाते हैं सब्जी निकाल रही है। देखिए सब्जी ये कितने सब्जी है,
कुछ लेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब लोग कुछ लेना है मुझे, और इतना ही पसंद आता है। ये दे दीजिए ये हाँ हाँ। सो गाइस ये देखिए कितना अच्छा, देखने में टेस्टी टेस्टी लग रहा है लेकिन हम खाते पीते नहीं है उतना। ये सब किस किस को खाना है, और ये तो देखिए पूरी दे दीजिए हमें, पूरी तंदूरी रोटी है। अरे इधर इधर कोई नहीं रखेगा, हम रख रहे हैं अपने हाथों से लेंगे, खाए या ना खाए। एक ही बार ले लो, दोबारा आगे नहीं पड़े। चावल वाल नहीं खाना है, चावल वाल खाई भू रुक जाओ। तो गाइस ये देखिए आज थोड़ा चावल हमारे में रख दीजिएगा, बहुत रुझे रुझे ए रुझे रुझे उधर 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 बस इतना ही थोड़ा सा। और ये देखिए प्यारी सी सिस्टर, चावल खत्म हो गया। सो गाइस चावल खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, मत मांगा अब हम मिले वाला नहीं खाए। थाली खा के इतनी तेज की भूख लगी थी कोमल को कि दो दो थाली खाई और थोड़ा छोड़ दे, तो उसके लिए कोई बात नहीं, होता रहता है।